हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाने वाले हैं एक तो लो बजट का कार का ऑडियो सिस्टम। कार में लगाओ या ऑटो में, कुछ में भी एक तो लो बजट का दिखाने वाले हैं। तो पहले इसके लिए क्या क्या लगेगा वो हम दिखाते हैं। अभी ये है कार का स्पीकर जो है सैमकॉन का। ये 480 वाट दिखा रहा है, असल में इसका 48 या 50 वाट होगा। और ये हम लोगों का कैबिनेट जिसमें स्पीकर बैठेगा, ये ऑटो में अच्छे तरह फिटिंग हो जाएगा। ये जैसे कि एक भैया ने बोला था उसको ऑटो में बिठाना है, उस हिसाब से हम कैबिनेट लाए हैं। तो ये है उसका दो टो कैबिनेट। अभी अभी दिखाएंगे कि इसका स्पीकर को अनबॉक्स करके भी दिखाएंगे, और उसके साथ साथ मशीन, ये जो कार डेक है इसको भी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हम लोगों का कार का ऑडियो सिस्टम। बहुत महंगा नहीं है, सस्ते में ही है इसका। और इसके साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। ऊपर में इसका कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका फ्रंट का पैनल है, तो दिखने में बहुत अच्छा ही है, सस्ते में है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। ये है इसका दो टो USB पोर्ट, इसके साथ साथ एक ऑक्स है, एक तो माइक लाइन है, जैसे कि कभी फ़ोन आता है इसमें से भी बात कर सकते हैं। ये हो गया मोड स्विच। बहुत कुछ खास वेट नहीं है, बहुत हल्का में ही है ये इसका पीछे का साइड है जो बैटरी का कनेक्शन या स्पीकर का कनेक्शन देने के लिए दो टो स्लॉट है। और इसके जो साथ दिया हुआ है ये एक स्पीकर का कनेक्शन है, जो चार टो स्पीकर कनेक्शन होगा इसमें। ये हर एक चार स्पीकर के लिए चार टो डिफरेंस कलर है इसमें, जैसे। और ये इसका बैटरी कनेक्शन 12 वोल्ट। और ये इसके स्क्रू दिया हुआ है गाड़ी में, इसको बिठाने के लिए फिटिंग हो जाएगा इससे। तो चलिए इसका जो स्पीकर है उसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि स्पीकर दिखने में कैसा है। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए ये हम लोगों का अनबॉक्सिंग हो गया है। ऊपर में एक तो सैमकॉन का वारंटी कार्ड दिया हुआ है, और स्पीकर दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत महंगा कुछ नहीं है, सस्ते में ही है लेकिन दिखने में अच्छा है। मैग्नेट तो बहुत अच्छा ही है स्पीकर, लेकिन काफ़ी वेट का है, दाम के हिसाब से स्पीकर बढ़िया है। ऊपर में ये एक तो ट्विटर दिया हुआ है, ऊपर में अलग से ट्विटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है हम लोगों का दो टो स्पीकर जो अभी कैबिनेट में फिटिंग होगा। फिटिंग नहीं करूँगा अभी, फ़िलहाल टेस्ट करूँगा। जब का ये भैया लेने आएंगे उस टाइम उनको फिटिंग करके दूंगा। तो जो है इसका पहले से मैं पीछे में एक तो छेद करके रखा हुआ था, तो अभी इसमें इसका वायर को घुसा लेते हैं, उसके बाद इसका स्पीकर का कनेक्शन करें। फिलहाल अभी मेरे पास ये तो मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, ये दो टो डिफरेंस कलर का तार है मेरे पास, ये ग्रीन और ब्लू। तो दो टो ये स्पीकर में माइनस प्लस साइन दिया हुआ है,
आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड में बाएं साइड में माइनस है और दाहिने साइड में प्लस है। फिलहाल मैं ये ग्रीन वायर को इसका माइनस साइड में जोड़ रहा हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ये हो गया है मेरा कनेक्शन, ब्लू वायर को प्लस में दे दिया। ये आप लोग देख सकते हैं इसका स्पीकर बैठ गया कैबिनेट के ऊपर। अब ये सेकेंड वाला इसको फिटिंग करेंगे। जैसे कि है दो तो बॉक्स अभी फिटिंग हो गया है, तो अभी बाकी है इसका। कार डेक के साथ इसको कनेक्शन करना, तो चलिए इसको कनेक्शन करके एक बार देख लेते हैं। तो अभी ये कार डेक में इसको सब वायर को जोड़ेंगे। जैसे कि ऊपर में है इसका स्पीकर का कनेक्शन, और ये है हम लोगों का बैटरी सप्लाई कनेक्शन। पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये हम लोगों का स्पीकर का वायर का भी जैक को हम लोगों ने लगा दिया है। अभी इसके साथ स्पीकर को जोड़ेंगे और बैटरी का कनेक्शन देंगे। ये स्पीकर वाला वायर को एक साइड में कर लिया, और जो सप्लाई वाला कनेक्शन है उसको अलग साइड में कर लिया है। ये है एंटेना, जो ब्लू वायर होता है एफएम के लिए एंटेना का तार होता है। जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तो उसको थोड़ा सा छील देना होगा। ये है माइनस, जो नेगेटिव है ब्लैक वायर माइनस है। और इधर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये कार डेक चलाना होता है तब ये जो रेड और येलो वाला वायर होता है इसको जोड़ देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग कार में फिटिंग करेंगे तो अलग बात है। फिलहाल अभी ये घर में टेस्ट करूँगा, इसके लिए इसको जोड़ दिया। और इसके साथ दो दो तार को भी जोड़ लूँगा बैटरी के साथ लगाने के लिए। इसमें टेप भी मार दिया है। अभी इसका ये दिखने में सब एक ही कलर का है, लेकिन हर एक जैसे कि ग्रीन वायर में एक स्लाइडली ब्लैक दिया हुआ है, जैसे वो स्पीकर का नेगेटिव है या माइनस साइड है। और जो टोटली पूरा ग्रीन है वो प्लस है। जैसे ये स्पीकर को हम लोग जोड़ लिए हैं, ये जैसे ब्लू हम लोग स्पीकर का प्लस साइड रखा था वो, तो उसको इसके साथ जोड़ लेंगे पूरा जो ग्रीन वायर है उसके साथ। ये इसका भी कनेक्शन हो गया है मेरा। ये जैसे स्पीकर का सप्लाई निकला है, एक को बाया साइड में लगाया और एक को छोड़ के फिर और एक को में दिया। अभी फिलहाल दो टो स्पीकर इसमें टेस्ट करेंगे। ये इसमें चार टो स्पीकर आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल अभी दो टो स्पीकर को चेक करके देखेंगे कि कैसे बज रहा है। बाकी जो वायर है उसमें हम लोग टेप मार दिया है कि चलते चलते कहीं इधर उधर लग जाए तो शॉर्ट हो सकता है। अभी इसके साथ बैटरी सप्लाई देंगे। फिलहाल अभी मेरे पास 112 वोल्ट का बैटरी है। इसके साथ साथ मेरे पास वो ट्रांसफार्मर का सप्लाई भी है जो डीसी 12 वोल्ट के लिए होता है, वो भी है। लेकिन फिलहाल इसको अभी चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं। देखिए ये ऑन हो गया है। अभी जैसे एफएम ऑन हो गया है, इसका भी ब्लूटूथ में करेंगे रिमोट से मोड चेंज करके। ये देखिए ब्लूटूथ में आ गया है। अभी इसके साथ एक तो मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे कि ये दिख रहे हैं कार बीटी आ गया है, वो ही ये है ब्लूटूथ पेयर दिखा रहा है। अब इसको पेयर करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप लोग सुन सकते हैं कि गाना कैसे बज रहा है।
सब बहुत ही सॉफ्ट है। वॉल्यूम जैसे ये पूरा डिस्प्ले पूरा डिजिटल है, वॉल्यूम के साथ साथ ये हम लोग बैटरी कनेक्शन, ये जो वॉल्यूम का नॉब है ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसके साथ साथ ये वॉल्यूम को अप या डाउन करने के साथ साथ ये इसमें शो करता है कितना वॉल्यूम में है, इसका लेवल शो करता है। और ये है दो टो यूएसबी का पोर्ट, आप लोग डिस्प्ले देख सकते हैं कि कैसा बढ़िया है। दाम के हिसाब से बहुत अच्छा ही है डिस्प्ले। सामने का फ्रंट का पैनल बहुत ही खूबसूरत है, ये देखने में बहुत अच्छा है। देखिए कैसे लाइट ब्लिंक कर रहा है, जैसे कोई हाईफाई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, लाइट ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें एक तो यूएसबी है और एक तो मोबाइल का चार्ज करने के लिए जगह दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सिस्टम के बारे में, कनेक्शन के बारे में सब कुछ ही बता दिया आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या बोलूँ, लाइक कमेंट कुछ भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।